नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कच्चे केले से दो तीन तरह के चिप्स बनाना बताऊंगी कि जो भी आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। एक तो मैं आपको कढ़ाई के अंदर ही तेल गरम है और रख के चिप्स को इसके अंदर ही बनाऊंगी, और एक मैं दिखाऊंगी कि आप किस प्रकार से अलग से बना कर रख सकते हैं, और एक मैं फिटकरी और नमक वाले पानी से जिस प्रकार हम आलू के चिप्स बनाते हैं उस प्रकार से मैं बनाना बताऊंगी आपको इन कच्चे केलों से। जैसे ये तेल गर्म है, इस प्रकार से आप इसको आप आराम से डालें, जल्दबाजी ना करें ताकि हमारे ऊपर ये तेल डल ना जाए। इस प्रकार से और बिल्कुल फ्लेम आप सिम ही रखें, आप इसे पकने दें। अब मैं दूसरा तरीका ये बताती हूँ कि आप जो ये केले हैं उनको आप छील कर थोड़ा सा मोटा छिलका उतार लें ताकि जो इसमें वो छिलका है वो हमारे चिप्स में ना आए। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा मोटे साइज में इस प्रकार से आप ऐसे करके आप चिप्स के लिए आम तरीके से तैयारी कर लें। एक हमारा ये मेथड हो गया कि आप इसे तल लें। एक मैं ये दिखाती हूँ कि ये मैंने सुखा के रखे हुए हैं, ये फिटकड़ी और नमक का पानी डालकर मैंने बनाए थे और थोड़ी सी मैंने धूप लगाई थी। इस प्रकार से आप ये चिप्स अगर प्रिजर्व भी करना चाहते हैं तो ये आराम से हो जाएंगे। ये आपने उसी टाइम फ्राई नहीं करने। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इनको अभी धूप लगवानी बाकी है, ये मैंने अभी बना के रखे हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा फिटकरी, बिल्कुल चुटकी भर फिटकरी और चुटकी भर नमक लेकर आप पानी में थोड़ा सा गर्म कर ले, ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आप ये केले की चिप्स बनाकर उसमें छोड़ दे, और 2-3 सेकंड के बाद पानी में निकाल के आप धूप में सुखा ले, और उनको आप सील बंद पैकेट में भी रख सकते हैं, और जब आपकी इच्छा है तब आप उसको निकाल कर फ्राई कर ले और खाएं। ये उस तरीके से बनाए हुए हैं फिटकड़ी और नमक वाले पानी से। आप उसमें चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं अगर आपको येलो कलर के चिप्स पसंद हैं। और एक तरीका ये है कि आप आराम से इस प्रकार से बैठ के काट ले, काट के और इनको उसी टाइम फ्राई करके तैयार करके दे सकते हैं। ये अभी बन रहे हैं आराम से, क्यों सिम सेक पे ये आराम से तल रहे हैं। ये कच्चे केले के चिप्स हैं वो बन के तैयार हैं। ये जो हमने कढ़ाई में डाले थे इंस्टेंट बनाने के लिए, जो कि उसी टाइम बन के तैयार हो जाते हैं, ये हमने चाकू से नाइफ से काट लिए थे। ये थोड़ा सा मोटा साइज़ हमने रखा था इसका बनाना आपका, तो ये भी बहुत अच्छे बने हैं। इनमें आप नमक और चाट मसाला लगाएं और बच्चों को दें। ये हमने ये प्रिजर्व करने के लिए जो रखे थे फिटकड़ी और नमक के पानी में 2 सेकंड के लिए उनको रखा के कच्चे केलों के स्लाइस को, और उसके बाद हमने धूप में रख दिया। ये आप लंबे 2-3-6 महीने तक भी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी वैसे ही नमक लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा और टेस्ट के लिए लगाना चाहते हैं तो इस पे नमक और चाट मसाला लगाएं और इन पे भी, और इनको खाएं और खिलाएं।
और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।